बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। और इसकी यही जो प्रॉपर्टी है, मोस्टली एप्लीकेशंस कैपेसिटर की इसी बात पे डिपेंड करती हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अच्छा, अब जहन में क्वेश्चन आता है कि कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। हमारे पास दो कंडक्टर्स, दो पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय मीडियम, जिनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी एक प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव से अटैच कर दिया और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया। अब जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है, इसके ऊपर ग्रेजुअली पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होना शुरू हो जाएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव से अटैच है, इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डिवेल्प होना शुरू होता है। अब सिंपल देखें कि बैटरी को इन चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए, प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। बैटरी चार्जेस के ऊपर जो वर्क करती है, चार्जेस क्या करते हैं, उसी वर्क को स्टोर करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और स्प्रिंग क्या करता है, उस वर्क को स्टोर कर लेता है एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ही कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी ने जो चार्जेस के ऊपर काम किया, उसको क्या किया, स्टोर कर दिया एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने बैटरी का वही काम कैलकुलेट करना है जो बैटरी ने चार्जेस को प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए किया। बैटरी ने जो क्यू चार्ज को प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट करने के लिए जो काम किया, उस काम को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W ओवर Q। अब हमें वर्क चाहिए, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अच्छा, आप देखें फिर, नाउ वर्क इज इक्वल टू एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब जब प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उस वक्त प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था जीरो। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर चार्ज होता गया, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, वी। अब हमने इनके एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमने दोनों को क्या किया, ऐड किया और टू पे डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमारे पास एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बन गया 1/2 इनटू वी। ये वाली वैल्यू हमने ऊपर इक्वेशन में वी एवरेज की जगह ये वाली वैल्यू पुट की, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी। अब वर्क, यही वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू वी। एक ये फार्मूला बन गया कैपेसिटर ने जो एनर्जी स्टोर की उसका। फिर हम पीछे पढ़ चुके हैं, क्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इंटू वी। ये हमने क्यू की जगह ये वाली वैल्यू पुट की सी वी की, तो फिर हमारे पास एनर्जी का एक और रिलेशन बन गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्रेजेंट, तो वो फॉर्मूला हमारे पास बन गया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। इसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका एक और फार्मूला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
ये दोनों वैल्यूज जब हमने इक्वेशन वन में पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी इनटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। डी से एक डी कैंसिल हो गया, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर ने स्टोर की उसका रिलेशन बन गया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इनटू डी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम दिस इज अ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन टोटल कैपेसिटर, हम चाहते हैं यूनिट वॉल्यूम में कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर हुई उसकी वैल्यू कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हम क्या करते हैं, एडी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और ये किसके बराबर होगी, एडी इज द वॉल्यूम, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर की हम एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम क्या करना चाहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में 1 m³ में जो एनर्जी स्टोर है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। इस तरह से ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया।